भिंड मुक्ति धाम में शिव मंदिर की स्थापना कायाकल्प, करीब 1,20,00,000 की लागत का विधायक ने किया लोकार्पण। अंत भला तो सब भला, ये कहावत मुक्ति धाम पर ही लोग कहते हुए नजर आते हैं। और मुक्ति धाम ही अच्छा नहीं हो तो बाहर से आने वाले लोग शहर को पिछड़े हुए नजरिए से देखते हैं। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने धर्मपुरी मुक्ति धाम का लोकार्पण करते समय ये बात कही। भिंड मुक्ति धाम पोरसा और इटावा से भी बेहतर बनाने के लिए उसका कायाकल्प कराया गया है, जिसमें नए टी शर्ट, बाउंड्री वॉल, शिव मंदिर में शिव जी की स्थापना, पेड़ पौधे लगाकर तैयार किया गया है। विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने कहा कि शहर में सड़क, पानी, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं के अलावा सौंदर्यकरण भी जरूरी है। इसके लिए लगातार शहर में सड़कों और विद्युतीकरण का काम चल रहा है। वहीं ऐसे जो मुक्ति धाम काफी पुराने थे और जीर्ण शीर्ण हालत में थे, उनका कायाकल्प भी अब किया जा रहा है। इसी के तहत करीब 75,00,000 की लागत से धर्मपुरी मुक्ति धाम और करीब 50,00,000 की लागत से मुक्ति धाम के आसपास की सड़कों का निर्माण कार्य कराने के बाद लोकार्पण किया गया है। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिकारी और बसपा पार्टी के कार्यकर्ता, नगरवासी उपस्थित थे। लोकार्पण किया गया है, उसमें 4 सड़कें हैं और हमारा मुक्तिधाम था जो बरसों से उपेक्षित था और जीर्णशीर्ण अवस्था में था, हमारे जीवन की अंतिम यात्रा यहीं समाप्त होती है। वो भी सुंदर होना चाहिए, लोग जो आते हैं उनको थोड़ी सुविधाएँ होनी चाहिए, बैठने की सुविधा होना चाहिए। वहाँ पर कोई प्रॉपर टीन शेड नहीं थे, वो टीन शेड जो टूटे टाटे थे बरसात के मौसम में, वहाँ दिक्कत आती थी। तो वो बढ़िया सब लोग सब वो टीन शेड वगैरह वो बन के RCC कंक्रीट के होके सब बढ़िया पुताई उताई रंगाई होके एक अच्छे मंदिर का भी निर्माण हुआ है उसमें। तो ये सारे काम मिला के 75,00,000 रुपये की लागत से लगभग उसका जीर्णोद्धार हुआ है। तो ये सब मिलाकर हम लगातार ये प्रयास में लगे हैं किसी तरीके से भिंड की तस्वीर और सूरत बदलनी चाहिए। और ऐसे ही जो पॉइंट हैं, जो जैसे जीर्णोद्धार कब्रिस्तानों के हैं जीर्णोद्धार, हमारे शमशान घाट के जीर्णोद्धार हैं, सड़कों का कायाकल्प है, लगातार बहुत तेज़ी से बहुत पूरे भिंड शहर में ये सभी काम चल रहे हैं और जिससे निश्चित तौर पर भिंड की तस्वीर